हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बिंदास होंगे, चंगे होंगे। सो गाइस, कल की बात आज एपिसोड नंबर 263, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। कल जो मैंने आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के लेवल्स दिए, मजा आया? क्या लेवल्स दिए थे, किस लेवल्स के नीचे ओनली थिंक फॉर द सेल बोला था, वहां से 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, यानी कि मार्केट डांसिंग टू किंग रिसर्च ट्यून। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को चार्ट एनालिसिस करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि ये मैंने जो चार्ट्स आप लोगों के लिए शेयर करे थे आपके सामने हैं, है ना। ये 17,156 का लेवल है, 17,000 ये वाला जो लेवल है, बोला था मार्केट, देखो यहाँ पे गैप डाउन खुला और बोला कि हो सकता है एक डेड कैट बाउंस आएगा। लुक एट द डेड कैट बाउंस, आया मार्केट एक रेंज में काम किया, उसके बाद मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ गिरा दिया। यानी कि 156 से कितने का लो बनाया, कितने का, 56, 17,000 जोड़ लेना, 17,156 से 17,056 का लो, 100 पॉइंट की गिरावट आफ्टर एक्टिवेटिंग आवर लेवल्स। पावर ऑफ लर्निंग, नथिंग एल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इसी कल की बात आज की सीरीज में एक बताया था कि जब जब मार्केट में इस तरीके का बड़ा कैंडल आएगा, जब जब मार्केट में इस तरीके का बड़ा कैंडल आएगा, कुछ तो बड़ा होगा दोस्त, बोला था। इस बड़े कैंडल के आने के बाद ही मार्केट क्यों रिवर्स हो जाती है, और इसका आप चेक करो वॉल्यूम, कुछ आपको सिमिलैरिटीज मिल रही है। अगर मैं बोलूं कि थोड़ा सा पीछे चार्ट देख लेते हैं, कुछ इसी तरीके का बड़ा कैंडल वॉल्यूम, ये देखो दोस्तों, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, लुक एट द, ये देखो ये कैंडल और साथ में ये वॉल्यूम, यहां पे तो ये गिर गया, लेकिन ये कैंडल और फिर ये वॉल्यूम के बाद यहां पर चढ़ गया, लेकिन मूवमेंट कुछ तो इसी तरीके के पैटर्न्स में हो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा ऊपर जाए या नीचे जाए, ये सीखने वाली बात है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो ध्यान से समझना सर, स्टॉक मार्केट क्या है, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, नथिंग एल्स। बस आप देखो कि मार्केट कहीं से रिवर्सल कर रहा है तो उसके पीछे क्या फुटप्रिंट्स है, अगर मार्केट में कोई गिरावट आ रही है तो उसके पीछे क्या फुटप्रिंट्स है, वो क्यों गिरावट आ रही है। इससे पहले पैटर्न्स देखो, ऑब्जर्व करने की कोशिश तो करो, दो पैटर्न देखे बराबर है, ये देखो तीसरा पैटर्न, आपको क्लैरिटी मिले तो दुआ में याद रखना दोस्त, वॉल्यूम वॉल्यूम है ना। अब देखो यही वॉल्यूम इस जगह पे आया, गैप डाउन, इसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स कर दिया। ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं नहीं चाहता। अच्छा, बहुत आज एक भाई से मेरी बात हुई और मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो भाई मेरे को बोला कि सर, मैं उसने कुछ 50-60-70-80 हज़ार रुपये जो भी कुछ कमाया होगा, उसने बोला कि सर आप अगर इसको पेड भी कर दोगे कल की बात, क्योंकि मैंने 10 दिन से नहीं दे रहा था मैं कॉल्स, तो बहुत सारे लोग घबरा गए थे सर ये पेड तो नहीं कर दोगे। सो उस भाई ने बोला कि सर 10 दिन से आप कॉल्स नहीं दे रहे हो, मतलब कल की बात आज नहीं दे रहे हो, कि पेड तो नहीं कर दो, सर अगर आप पेड भी कर दोगे तो भी मैं आपका लूंगा, ये कुछ भी हो जाए, क्योंकि पैसे कमा रहा है तो लेगा, बिलीव मी, हेजिंग करता है वो मेरा भाई, हेज कर करके इतना मोटा पैसा छाप लिया है, कई सारे लोगों से मेरी बात हुई आज पर्सनली। सो कल भी मैं मौका दूंगा आप लोगों से, मैं अपना सीधे, मेरे से जो बात करना चाहता है वो ट्विटर हैंडल को फॉलो कर ले, वहां पे मैसेज में आप मुझे लिख सकते हो अपना मैसेज, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी भी तरीके कुछ भी आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, ट्विटर हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पे चैट जो होता है ना मैसेज करने का पर्सनली, आप वहां पे मैसेज करो, मैं आपको वहां पे आंसर्स दूंगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंपॉर्टेंट क्या था, उसने मेरे से ये पूछा कि भाई सर आप जो कल की बात आज अगर आप पेड भी कर दोगे ना तो भी मैं पैसे दूंगा, मेरा आंसर उसको पता है क्या गया, मैंने बोला कि नहीं भाई, ये कल की बात आज उन लोगों के लिए मैंने बनाया है जो मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे, सिर्फ उनके लिए मैं ये कल की बात आज बना रहा हूं, सो दैट फ्री में वो लोग कमा सके और सीखने का सोच सके। कई सारे लोग हेजिंग से पैसा बना रहे हैं, डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी से पैसा बना रहे हैं, सर दिल खुश होता है, इसलिए मेरा डेली बेसिस से मन करता है आप लोगों के लिए कुछ बना के दूं, मैं नया चीज सिखाने की कोशिश करूं, राइट। एनीवे, सो इंपॉर्टेंट देखो है ना, यहीं से रिवर्स, आप आइडेंटिफाई तो करो, रिवर्स नहीं हुआ फेल हो गया,
ये घुस गया, देखो देख रहे हो, प्रूफ देख रहे हो आप, आइडेंटिफाई तो करो वॉल्यूम जब जब आ रहा है तो ऐसा क्या हो रहा है वॉल्यूम आने के बाद कि मार्केट चढ़ रहा है, गिरावट हो रही है, या फिर मेरा कहावत याद है, निफ्टी बुलाती है पर जाने का नहीं, मार्केट बुलाती है पर जाने का नहीं, तो कब जाना है कब नहीं जाना है, एक एज मिलेगा आपको कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, कब दूर बने रहना है, भाल नहीं कोई कुछ भी बोलता रहे। राइटर्स है जबरदस्त, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जितने भी राइटर्स हैं जो भी ऑप्शंस में ट्रेड राइटिंग करके कहना कहा चाहते हैं, फॉलो कर लो कल की बात आज। मैं डायरेक्शनल ट्रेडर हूं, मैं बाइंग करने भरोसा करता हूं, मुझे पता रहता है कि मार्केट में कब सेल करना है कब बाइंग करना है, उसकी एक्यूरेसी लेवल बोलने की जरूरत नहीं है। 10 दिन इस वीडियो को फॉलो कर लो, एडवांस में निफ्टी बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करता हूं, ओपन चैलेंज के साथ बात करना चाहता हूं, कोई मार्केट में आपको दे दे लेवल्स स्टिल फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ उनके लिए जो मेरा क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। बस एक ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक ही चीज मुझे आपसे चाहिए, आप सभी लोगों से दुआएं चाहिए। अगर मेरे लेवल से आपको हेल्प हो रही, दुआ देने में कसर मत छोड़ना, लाइक करो शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, बताओ कि यार जबरदस्त है लेवल। जो राइटर्स है, सर मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक टू द राइटिंग पार्ट ऑल्सो, मैं बना रहा हूँ अपने आप को पावरफुल, वेट एंड वॉच, आई विल शो यू समथिंग कुकिंग वेरी बिग। एनीवे, सो अब बात कर लेते हैं, ये 150 के नीचे बोला था सर, उसके बाद 100 पॉइंट की गिरावट आपके सामने, रिजल्ट प्रूफ एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। बाकी मैंने आज आपको सिखाने का वॉल्यूम के साथ क्या सीक्रेट है वो भी सिखाने की कोशिश की कि यहाँ से कैसे रिकवर हुई, और सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने सुबह सुबह 50,000 के ऊपर प्रॉफिट विद इन 8 मिनट्स के अंदर कवर कर लिया था एक ही स्टॉक में। पावर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, मैंने वही स्टॉक क्यों चूज किया, कैसे करता हूँ, सीखने वाली बात है। सीखना चाहते हो? बिल्कुल सिखाएंगे, लेकिन लाइव वेबिनार करके नहीं, मेरे वर्कशॉप में मैं सिखाने वाला हूं, वो भी लाइव ट्रेड करके। क्या बात है, चलो थैंक यू। एनीवे, सो अब मेरे भाई कल के लिए जो हम बात करेंगे, यानी 30 तारीख 30 नवंबर के लिए जो बात करेंगे, 17,000 पे क्लोजिंग है। मैंने आप लोग के लिए लेवल मार्क कर दिया है कि 17,030, अगर ये प्राइस कल गैप डाउन खुले और सस्टेन करके 17,030 के नीचे क्लोज कर जाता है तो ही आपको सेल करना है, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट। हाँ, पेशेंस, जबरदस्ती रोज भाग के ट्रेड नहीं करना, समझना पड़ेगा लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे बनाता हूं, लेवल्स लगाओ आप अपने एंड से, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो लेवल है 17,156 का जो लेवल मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं, इसके नीचे तो ओनली थिंग फॉर द सेल, नो बाइंग एट ऑल, नोट कर लिया। अब 17,030 आएगा तो ही हमें सेल करना है, इसके नीचे ओनली थिंक फॉर द सेल, सेल करने का सोचना है, इसके नीचे कल इंट्राडे में ठोकना है, ठीक है। पहले 5 मिनट के कैंडल के लो के नीचे टारगेट कहां तक आएगा, टारगेट कहां तक आएगा दोस्त, टारगेट 16,747 एंड 16,630 का हमारा ये टारगेट, ये बाइंग जोन रहने वाला, यानी कि ये टारगेट जोन आएगा, यहां पे हम लोग प्रॉफिट बुक करके फिर बाइंग में बैठ जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो और 156 के ऊपर चले जाए, मैंने तो बोला 156 के नीचे आएगा तो सेल करना है, बाई चांस ऊपर चले जाए तब क्या करना है, सेल करना है, नहीं, हैव पेशेंस, पेशेंस रखो, मार्केट बहुत प्यारी चीज है सर, सिर्फ उसकी भाषा समझ लो, भाषा समझ गए बूम। एनीवे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और थोड़ा सा सस्टेन करता है तो डोंट वरी, हैव पेशेंस, मार्केट को इस जोन में जाने दो, यानी कि जो राइटर्स है 17,300 के ऊपर के जो कॉल्स है उसको ठोक सकते हैं, राइट कर सकते हो, बता रहा हूं सर राइटर्स के लिए। तो ये एक बहुत प्यारा लेवल है, 17,240 और 270 का लेवल, इस जोन के ऊपर के जो भी है आप इसमें करके जा सकते हो, राइटिंग कर सकते हो समझदारी के साथ, ठीक है। एक लेवल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, राइट, और आने दो, और हो सकता है यहीं से फिर रिवर्सल हो जाएगा, फिर रिवर्सल हो जाएगा। सो राइटर्स बी अलर्ट, राइटर्स नीचे के जो लेवल है बी अलर्ट, यहां पे पुट को कर सकते हो, यहां पे कॉल को कर सकते हो, पैसा छप्पर फाड़ के आप 10 दिन फॉलो तो करो। अब मैं राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेवल्स देने की कोशिश करूंगा, ओपन चैलेंज कर रहा हूं सर, बड़े बड़े यूट्यूबर को फॉलो कर लेना और हमारे लेवल्स को एक तरफ निकाल कर लेना, जमीन आसमान का अंतर आपको दिखा दूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी आपको दिखा दूंगा। मैं उनमें से नहीं जो FI क्या कर रहे हैं, DI कर रहे हैं उस पर बात करता हूँ, ओपन इंटरेस्ट, सॉरी सर, सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, सिंपल लेवल्स फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। डन, अब अपार्ट फ्रॉम दिस बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ, आ जाइए, बैंक निफ्टी में भी कुछ सीखने के लिए आपको बहुत कुछ है। सो ये आज बैंक निफ्टी का चार्ट,
जिसमें 35A30 का लेवल, नोट करना प्लीज, मेक अ नोट, 35A30 का लेवल, ये जो आज का लो है, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि इसी के पास वॉल्यूम आया है। ये देखो, ये जो वॉल्यूम जनरेट हुआ है दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा छोटा चार्ट कर दूं, ये देखो, नाउ यू कैन सी द वॉल्यूम राइट। ये ब्लूप्रिंट कुछ मार्केट ने छाप के दिया है हमें, तो अगर ये लेवल टूटेगा तो ही मैं सेल करूंगा, अदरवाइज नो सेल एट ऑल, मार्क कर लो मेरी बात। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो जोन है, इस जोन पे आएगा, मान लो गैप अप खुला और जोन पे आया, ओनली थिंग फॉर द सेल, नो बाइंग एट ऑल। इस जोन के ऊपर निकलेगा, यानी कि ऑलमोस्ट 36,956 के ऊपर जाएगा, तो ही मैं बाइंग करने का सोचूंगा, अदरवाइज ऊपर है ठोको, ऊपर है ठोको, ऊपर है क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, और कम से कम 1000 कमेंट चाहिए मुझे, ऊपर आए तो क्या करना है कमेंट सेक्शन में बताओ। डन, सो आई होप यू गॉट माय आंसर, और ये हमारा टारगेट होगा। मैंने आपको ये दोनों लेवल्स दे दिए हैं, और अब उन भाइयों की भाषा में, कुछ लोग कहते हैं ना 3D के लैंग्वेज में, सर आसान शब्दों में बताइए ना, तो भाई ये पेपर में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, इसी लेवल्स पे आपको काम करना है। ये बैंक निफ्टी के लेवल्स, इन्हीं लेवल्स को आपको फोकस करना है और काम करके पैसा बनाने का सोचना है। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग, अपना ध्यान रखो, अपना परिवार का ध्यान रखो, एंड स्टे ट्यून विद किंग रिसर्च, कमिंग सून 2 पावरफुल स्ट्रैटेजीज, वन इज निफ्टी बैंक निफ्टी, अनदर वन इज ऑप्शन के ऊपर, मैं 2 पावरफुल स्ट्रैटेजीज रेडी करके बैठा हूँ, बस आप लोग को जल्दी से जल्दी देना है, जितनी जल्दी प्यार देना चालू करोगे उतनी जल्दी वो मैं स्ट्रैटेजीज आप लोगों से शेयर कर दूं। आर यू रेडी? फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस एट ऑल, डन। और हाँ, अगर आपको फ्री कॉल्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, जिसमें 86,000-87,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, हमारा एक ही टेलीग्राम चैनल है, इसके अलावा कोई भी टेलीग्राम चैनल फेक है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स, स्टॉक सिलेक्शन लिस्ट, सो मेनी थिंग्स यू विल गेट। जय हिंद, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और अपने परिवार का ध्यान रखो दोस्तों, बाय बाय।